ओम प्रकाश जी, कमलनाथ जी, श्रीमती पुष्पलता कांबरे जी, राममूर्ति मिश्रा जी, संजय निरुपम जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ये लिखीराम कांबरे जी की जन्मभूमि है। जमीनी नेता थे और उनकी यहां कई साल पहले हत्या की गई थी। आज यहां एक युवा प्रत्याशी खड़ी है, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया था उस प्रकार से यहां ये काम करेगी। मैं यहां आपको कांग्रेस की सोच और बीजेपी की सोच के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूं। आपके सामने चुनाव है और आपको निर्णय लेना है कि कांग्रेस पार्टी को जिताएं, और मैं आपको सोच के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। सोच में काफी गहरा फर्क है। हम कहते हैं कि ये देश सबका है और हम हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को एक नजर से देखते हैं, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अमीर हो और गरीब हो। विपक्ष के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान सबका नहीं है, सिर्फ चुने हुए लोगों का है। जहां भी वो सरकार चलाते हैं, चुने हुए लोगों की सरकार चलाते हैं और आम जनता की सरकार नहीं चलाते हैं। दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं। यूपीए की सरकार है, दिल्ली में अब हम 2004 से हैं। आप हमारे प्रोग्राम्स को देखिए, जो भी हमारे बड़े प्रोग्राम हैं वो सब के लिए है। मनरेगा हो, जिसमें हम हर एक व्यक्ति को रोजगार देते हैं, 100 दिन का रोजगार देते हैं। उस प्रोग्राम में हम ये नहीं पूछते कि भाई आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है। हम सिर्फ आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप हिंदुस्तानी हो? अगर आप हिंदुस्तानी हो और अगर इस योजना की आपको जरूरत है तो ये योजना आपको गारंटी करके मिलेगी। और लाखों लोगों को हमने रोजगार दिलवाया। अब हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में 1 रुपए का अनाज हम देने वाले हैं हर परिवार को, और सबसे ज्यादा फायदा आदिवासी भाइयों को होगा, भाइयों और बहनों को होगा। ये जो माताएं यहां बैठी हैं, आपको होगा। हजारों साल से हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं लोग भूखे सोते हैं, और हमने कहा देखिए अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ गया है, अगर प्रगति आई है, तो इस देश में किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए। और हम ये प्रोग्राम लाए और हमने ये नहीं पूछा कि भाई आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है। सिर्फ एक सवाल पूछा, हिंदुस्तानी हो? अगर हिंदुस्तानी हो तो आपको भोजन मिलेगा। सोच में एक और फर्क, हम भी मानते हैं, विपक्ष भी मानता है कि विकास की जरूरत है। हम सड़कें चाहते हैं, वो भी सड़कें चाहते हैं। हम एयरपोर्ट चाहते हैं, वो भी एयरपोर्ट चाहते हैं। हम रेलवे लाइन चाहते हैं, वो भी रेलवे लाइन चाहते हैं। और शायद जितना काम हमने सड़कों का किया उन्होंने नहीं किया। उदाहरण देना चाहता हूं, एनडीए के लोग कहते हैं कि एनडीए के समय सड़कें उन्होंने बहुत बनाई। हमने पता लगाया, मंत्रिमंडल से पता लगाया कि भाई एनडीए के समय कितनी सड़कें बनी और यूपीए के समय कितनी सड़कें बनी। कहते बहुत है वो, मतलब जब आंकड़ा निकला पता लगा
जितनी सड़कें उन्होंने 2004 से पहले वाली सरकार में बनाई उससे तीन गुना सड़कें हमने 5 साल में बनाई। तो हम इस बात को मानते हैं कि सड़कें बनानी है, एयरपोर्ट बनाना है, रेलवे लाइन लानी है, मगर हमारी सोच थोड़ी उससे गहरी है। हमारा कहना है कि जब तक हम गरीब का हाथ नहीं पकड़ेंगे, कमजोर का हाथ नहीं पकड़ेंगे, तब तक ये देश आगे नहीं जा सकता। इसीलिए हम रोजगार योजना लाते हैं, भोजन का अधिकार लाते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन लाते हैं, क्योंकि हम आपको शक्ति देना चाहते हैं। शिक्षा का अधिकार दिया क्योंकि हम आपको शक्ति देना चाहते हैं, आम आदमी को शक्ति देना चाहते हैं। हमारा कहना है कि जो गरीब है, गरीबी में जो फंसा हुआ है, उसके सामने एक दीवार खड़ी हुई। हम कहते हैं कि सरकार का काम उस दीवार को तोड़ने का है, रास्ता खोलने का है। और हम कहते हैं कि अगर गरीब है तो उसकी गलती नहीं है, दीवार उसके सामने है, दीवार को हटाना है। और जो काम गरीब कर सकता है कल बाकी लोग नहीं कर सकते, ये हमारी सोच है। और उनकी सोच क्या है, और पार्लियामेंट में उनके लोगों से बात की, पूछा मैंने कि भाई आप मनरेगा के खिलाफ क्यों हो, आप भोजन के अधिकार के खिलाफ क्यों हो, और उनका जो जवाब मिलता है मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका कहना है और उनके लोग कहते हैं मुझे कि राहुल जी, जब आप गरीबों को रोजगार योजना देते हो, जब आप गरीबों को भोजन का अधिकार देते हो, मुफ्त में जवाब देते हो, तो गरीब लोग बिगड़ जाते हैं। जब भी रोजगार योजना की बात आती है, भोजन के अधिकार की बात आती है, तो एक सवाल उठाते हैं कि भाई इसका पैसा कहां से आएगा। और मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपकी जमीन आपसे छीनी जाती है, जब यहां मैंगनीज के जो माइंस है, तो आपका धन है, जब वो आपसे छीना जाता है, तब वो ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि भैया पैसा कहां जा रहा है। जब गरीबों की बात होती है तो एकदम पूछते कि भाई पैसा कहां से आएगा, मगर जब आपसे धन छीना जाता है, जब आपको अपनी जमीन से उतारा जाता है, तब ये सवाल कभी नहीं पूछते भैया ये जनता का धन है, ये कहां जा रहा है। एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं, ट्राइबल बिल। यहां आदिवासी भाई बहन, दिल्ली में हमने निर्णय लिया कि जो आपकी जमीन है, इन मां बहनों की जो जमीन है, वो आपको वापस मिलनी चाहिए, और हमने ट्राइबल बिल पास किया, पूरे देश में पास किया। और यहां मध्य प्रदेश में क्या होता है, जो आपकी जमीन है वो आपको वापस नहीं मिलती। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, महिलाओं से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके जो पट्टे हैं आपको वापस मिले, नहीं मिले, सिर हिला रही। उल्टा क्या हुआ, आदिवासियों को जमीन नहीं दी गई, अमीर लोगों को आपकी जमीन दी गई। और जितना अत्याचार आदिवासियों के खिलाफ यहां होता है, इस प्रदेश में होता है, जितना महिलाओं के खिलाफ होता है, चाहे किसी और प्रदेश में नहीं। यूएन की एक रिपोर्ट आई, और यूएन की रिपोर्ट में कहा कि भाई 1 लाख बच्चे पिछले 5 साल में 1 साल की उम्र से पहले मर गए। हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं, हम गरीबों की मदद करने की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं भैया पैसा कहां से आएगा। हमने उनको दिखा दिया, दिल्ली की सरकार भेजेगी, रोजगार योजना का पैसा हम भेजते हैं, भोजन के अधिकार का भोजन हम भेजते हैं, मगर ये आप तक नहीं पहुंचा। बड़े बड़े भाषण होते हैं, भ्रष्टाचार की बात होती है, भाई भ्रष्टाचार, मगर मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार के बारे में एक सवाल नहीं उठता। बीजेपी के जो प्रदेश है, उन प्रदेशों के बारे में एक सवाल नहीं उठता। छत्तीसगढ़ की जनता ने निर्णय ले लिया है,
निकाल रहे हैं उनको वहां से। यहां देखिए, यहां 11 मंत्री हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है। 11 है क्या? इनका एक मंत्री जेल गया, एक गया। जब भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह आरोप उठता है हम एक्शन लेते हैं। हमने अपने मंत्रियों को जेल में डाला है और हम डालते रहेंगे। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, जो तो आपकी जमीन छीनी जाती है, जो आपका मैंगनीज यहां पे है, जो आपसे लिया जाता है, जो भ्रष्ट मंत्री है, इसके बारे में कौन एक्शन लेगा? बीजेपी के लोग नहीं लेने वाले हैं। यहां आपको एक बात समझनी है और अच्छी तरह समझनी है, तभी ये प्रदेश आगे जाएगा। ये प्रदेश अमीर प्रदेश है, यहां कोई कमी नहीं है, जनता में शक्ति है। यहां आपकी सरकार आपका धन लेती है और अपने बीच में बांटती है, आपके लिए प्रोग्राम नहीं चलाती है, और जो आपके सामने दीवार है जिसको हम तोड़ने की बात कर रहे हैं उसको वहां रखा लेना चाहती है। बीजेपी के लोग कहते हैं भैया अगर गरीबों के सामने दीवार है तो गरीब अपने आप इस दीवार को तोड़े, अपने सिर से इस दीवार को तोड़े। हम इस दीवार को तोड़ना चाहते हैं, हम आपको शक्ति देना चाहते हैं। हमारे पास कुछ दिन पहले कोई राजनेता आए और मुझसे उन्होंने पूछा, देखिए ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो आपने किया ये आपने क्यों किया? और मैंने उनसे कहा, देखिए सही बात है, भ्रष्टाचार बाहर आया और शायद हमारे ऊपर भी आरोप लगे, सरकार के ऊपर भी आरोप लगे, मगर हम आपको शक्ति देना चाहते, हम आपके हाथ में शक्ति देना चाहते हैं, और आरटीआई जैसे कानून हम और लाएंगे, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार को सिर्फ एक चीज हटा सकते और वो है हिंदुस्तान की जनता। अगर हमने हिंदुस्तान की जनता के हाथ में शक्ति डाली तब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए हमने अधिकार की बात शुरू की है, सूचना का अधिकार। अब बड़े बड़े मंत्री जो भी निर्णय लेते हैं, ब्यूरोक्रेट जो भी निर्णय लेते हैं उसके बारे में आप सवाल पूछ सकते हो। छोटा सा छोटा बच्चा सवाल पूछ सकता है, भैया आपने ये काम किया क्यों किया? और ब्यूरोक्रेट को, प्रधानमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। पंचायती राज हम लाए, महिलाओं को आरक्षण दिया, क्यों दिया? क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, महिलाएं शामिल हों, ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीति में आए और राजनीति को साफ करें। लंबी लड़ाई हम जानते हैं, मगर आस्ते 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 हम इस लड़ाई को जीतेंगे। और एक बात अच्छी तरह सुन लो, हम बड़े वायदे नहीं करते हैं, हम जो वायदे करते हैं उनको हम पूरा करते हैं। हमने आपको भोजन के अधिकार का वायदा किया, पूरा किया। रोजगार का अधिकार का वायदा किया, पूरा किया। जमीनी अधिकरण बिल की लड़ाई लड़ी, और आज अगर किसी आदिवासी से जमीन ली जाएगी तो उसे 4 गुना मार्केट से 4 गुना पैसा मिलेगा। कानून बनाया हमने, तो जो भी हम वायदे करते हैं हम उसको पूरा करते हैं। और यहां हम आपसे 2-3 वायदे करेंगे।
जैसे हमने किसानों की मदद की, कर्जा माफ किया, वो हमारे मैनिफेस्टो में, वो हम करके दिखाएंगे। बीजेपी ने वायदा किया था, 5 साल पहले वायदा किया था, नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वायदा पूरा होगा। महिलाओं को हम शक्ति देंगे, युवाओं को हम रोजगार देंगे। 2 लाख युवाओं को हमने रोजगार देने का वायदा किया है, हम देकर दिखाएंगे। और अंत में मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा वायदा, यहां अमीर लोगों की सरकार चलती है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, युवाओं की सरकार चलेगी, महिलाओं की सरकार चलेगी, आदिवासियों की, दलितों की सरकार चलेगी, और जो भी लड़ाई होगी आपके लिए होगी, जो भी काम होगा आपके लिए होगा, आदिवासी युवा के लिए होगा, आदिवासी महिलाओं के लिए होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। हम जानते हैं कि जिस दिन आपकी शक्ति देश की शक्ति में जुड़ जाए, जिस दिन आपके बच्चे कॉलेज में पहुंच जाए, जिस दिन आपके बच्चे उद्योगपति बन जाए, उस दिन ये देश सचमुच में अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। आप बहुत दूर से आए और बहुत शानदार मीटिंग आपने यहां रखी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से जो युवा आया है, कांग्रेस पार्टी को आप जिताइए, नई सरकार आप यहां लाइए, और आदिवासी युवा, खासतौर से आदिवासी युवा, आपको रोज आपको सरकार में आना है, आपको राजनीति में आना है। और मुझे बहुत खुशी है कि यहां एक युवा प्रत्याशी, आदिवासी युवा चुनाव लड़ रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।